हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों बात है सन 1503 की, जब लियोनार्डो द विंची ने एक पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। वो पेंटिंग थी मोनालिसा की। विंची को मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में पूरे 14 साल का वक्त लगा, यानी वो पेंटिंग कंप्लीट हुई 1517 में। मोनालिसा कौन थी और मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में विंची को 14 साल का वक्त क्यों लगा? ऐसी क्या खास बात है उस पेंटिंग में जो उसे पूरी दुनिया में फेमस और महंगी तरीन पेंटिंग बनाती है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आपको बताता चलूं, विंची सिर्फ एक पेंटर ही नहीं बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। फिर भी इनको शोहरत एक पेंटिंग की वजह से मिली। पहले पेंटिंग ज्यादा फेमस नहीं थी। ये पेंटिंग लोगों की नजरों में तब आई जब इसे 21 अगस्त 1911 में लूवर म्यूजियम से चुरा लिया गया था। पेंटिंग को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि म्यूजियम का ही एक वर्कर विंसेंजो प्रूगिया था। वो पेंटिंग चुराने के बाद म्यूजियम में ही छुप गया था और रात होने का इंतजार करने लगा, और रात होते ही पेंटिंग को कोर्ट में छुपा कर फरार हो गया। विंसेंजो इटली का रहने वाला था, जिसका ये मानना था कि मोनालिसा की पेंटिंग इटली की अमानत है जो इटली में वापिस आनी चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो पेंटिंग को इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। दोस्तों मोनालिसा की पेंटिंग तो 2 साल में ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मोनालिसा के होंठ बनाने में लियोनार्डो दा विंची को पूरे 12 साल का वक्त लगा। मोनालिसा को किसी पेपर पर, कैनवस पर या कपड़े पर नहीं बनाया गया था बल्कि इस पेंटिंग को बनाया गया था पॉपुलर की एक लकड़ी पर। इसीलिए मोनालिसा की पेंटिंग को दुनिया की खूबसूरत तरीन पेंटिंग माना जाता है। 23 जून 1852 को ल्यूक मास पैरो, जो के फ्रेंच आर्टिस्ट था, वो मोनालिसा की मुस्कान का इतना बड़ा दीवाना था कि उसने पेरिस की एक होटल की 4th मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि वो मोनालिसा की खूबसूरती के लिए पागल था। ये बात सच है कि दुनिया भर के आर्टिस्ट और हिस्टोरियन इस बात से हैरान हैं कि मोनालिसा की मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। मतलब ये कि उसकी मुस्कान बदलती रहती है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने हैरान कर देने वाला नजरिया पेश किया। उनका मानना था कि मोनालिसा की स्माइल नहीं बदलती बल्कि देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है कि वो पेंटिंग को किस नजरिए से देखता है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है जो देखने में सेम टू सेम मोनालिसा की पेंटिंग जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि ये लियोनार्डो दा विंची के दौर में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाई थी। दूसरी पेंटिंग स्पेन के दार हुकूमत मैड्रिड के प्रादो म्यूजियम में रखी गई है। एक बात आज भी मिस्ट्री बनी हुई है कि मोनालिसा आखिर थी कौन। ज्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये पेंटिंग लिजा गिरार्दनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मोनालिसा की पेंटिंग विंची की खुद की पेंटिंग है। विंची खुद को एक औरत के रूप में देखना चाहता था कि अगर वो एक औरत होता तो कैसा दिखता, जबकि ये थ्योरी बाद में बिल्कुल गलत साबित हुई। मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन लगाई गई थी और 2019 में इसकी कीमत $700 मिलियन के आसपास थी। फ्रेंच हेरिटेज लॉ के मुताबिक इस पेंटिंग को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता क्योंकि ये पेंटिंग पब्लिक के लिए है। इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। इसकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए म्यूजियम की मैनेजमेंट ने इसे बुलेट प्रूफ ग्लास में रख दिया है ताकि कोई इसे नुकसान ना पहुंचा सके। इस पेंटिंग का साइज 21 इंचेस बाई 30 इंचेस है और इसका वजन 8 kg है। वर्ल्ड वार टू के दौरान इसे बार बार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया ताकि ये कीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ ना चली जाए।